उधर रांची में 27 जनवरी को भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 मैच होना है। इसे लेकर रांची एयरपोर्ट पर दोनों टीमों के खिलाड़ी चार्टर्ड विमान से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे। दोनों टीमों के लिए अलग अलग बसों की व्यवस्था एयरपोर्ट पर ही की गई थी। एयरपोर्ट से निकलने के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी होटल रेडिसन ब्लू पहुंचे। इस दौरान प्रशासन की ओर से खिलाड़ियों को एस्कॉर्ट कर होटल ले जाया गया। तमाम जो सुपरस्टार्स हैं क्रिकेट के वो पहुंच चुके हैं, भारत और न्यूजीलैंड के तमाम खिलाड़ी। तो प्रशंसकों की जो भीड़ है वो मौके पर तैनात रही। कुल मिलाकर हर एक प्रशंसक जो है अपने फेवरेट क्रिकेटिंग स्टार को देखने को ललायत नजर आया। लोग एंजॉय करेंगे, मौसम भी अच्छा रहने वाला है। अच्छा के लोग जो है हमेशा अच्छे खेल को प्रोत्साहन देते हैं। मुझे लगता है कि जरूर अच्छा मैच होगा। कितने बजे मैच के लिए आना मुनासिब रहेगा अपने जो? देखिए 4 बजे जब गेट्स ओपन होते हैं तो जनरली लोग पहले आते हैं, तो वहाँ के माहौल को, वहाँ के एनवायरनमेंट को भी एंजॉय करते हैं। तो सबसे अच्छी बात होती है कि जैसे ही गेट खुलता है 4 बजे 5 बजे लोग अगर आ जाएं तो लोगों को काफ़ी समय रहता है वहाँ पे उस माहौल में एंजॉय करने का। बीसीसीआई को भी ये लगता है कि जेसीए भाने लगा, लगातार यहाँ मैच का आयोजन जो है किया जा रहा है और इसको अलॉट किया जा रहा है मैच जेसीए को। देखिए मोस्ट सॉट आफ्टर वेन्यू होते ये रोटेशन जो प्रणाली है बीसीसीआई की वो काफ़ी अच्छी है। उसमें सारे वेन्यूज़ को बराबर का मौका मिलता है। पहले ये शिकायतें होती थी कि जो बड़े सेंटर्स हैं उनको ज़्यादा मैचेस मिलते हैं, छोटे जगहों को मैच नहीं मिलता। रांची भी अब आप मान सकते हैं कि जो अच्छे सेंटर्स देश के हैं उसमें से एक शुमार है, तो इसलिए यहाँ पे रेगुलर मैचेस मिल रहे हैं और होपफुली सबके लिए अगर वो वर्ल्ड कप का मैच भी अगर यहाँ मिल जाए तो सबसे अच्छा होगा। अच्छा, क्रिकेट को लेकर यहाँ पे जो लोगों में आप एंथुसियाज्म देखते होंगे, धोनी का शहर है ये। देखिए यहाँ पे क्रिकेट सभी सभी खेल में आप देखेंगे यहाँ पे, और खास करके क्रिकेट के लिए जो लोगों में यहाँ पागलपन रहता है, जो उत्साह रहता है। और ये सही कहा आपने कि यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी जैसे खिलाड़ी जो कि एक आइकन है पूरे विश्व के लिए, वो हमारे यहाँ से हैं। अभी लोग ईशान किशन को भी आप देखें किस तरीके से लोग ये रहते हैं।